हेलो एवरीवन, माय नेम इज मीत एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मैं लेकर आ चुकी हूँ। एयरपोर्ट की तरफ से लेटेस्ट वैकेंसीज का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। कौन कौन सी वैकेंसीज यहाँ पर आउट हुई हैं, पोस्ट वाइज क्या क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायर्ड है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सिलेक्शन कैसे होनी है और अप्लाई स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है, तो सारी चीज़ों को हमेशा की तरह प्रॉपर स्क्रीन पर आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखना, बिकॉज वीडियो का हर एक पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, इसी तरीके से चाहते हैं हर एक जॉब अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल वाली ऑप्शन पे क्लिक करना, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आ रही है उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। बाकी इस अपडेट के अलावा और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट की वैकेंसीज आ गई हैं, जिसके लिए आप अपनी क्वालिफिकेशन, अपनी सिटी या फिर डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.clori.com पर विजिट करके इंफॉर्मेशन लेकर अप्लाई कर सकते हैं। लिंक आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया है, सीधा गूगल पे टाइप कर लेना, पहले नंबर पे साइट मिल जानी है, वहां पे आपको कोई प्रॉब्लम भी फेस नहीं करनी पड़ेगी। इसी के साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज दोनों पे फॉलो करना। कोई भी आपकी क्वेरी होती है, कोई क्वेश्चन होता है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप मुझे वहां पे सीधा मैसेज कर सकते हैं। उन दोनों पेजेस को जरूर फॉलो करना, आपको डेफिनेटली वहां रिप्लाई भी मिलेगा। थोड़ा सा वेट कर लेना, पेशेंस रखना, डेफिनेटली रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। इसी के साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए ज्यादा टाइम में लेते हुए डायरेक्टली बात करेंगे एयरपोर्ट की आई हुई लेटेस्ट ऑफ वैकेंसीज के बारे में, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायर्ड है, किस तरीके से आपकी यहाँ पे सिलेक्शन एंड ज्वाइनिंग होनी है, कौन से स्टेप को फॉलो करते हुए अप्लाई करना है, क्योंकि जो वैकेंसीज है ना मेल फीमेल दोनों के लिए आउट हुई है, परमानेंटली जॉब है, तो सारी चीजों को डिटेल में कवर करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना और एक प्यारा सा लाइक जरूर करना, आपका एक लाइक मोटिवेट करता है आपके लिए नए नए अपडेट लेकर आने का। इसी के साथ गूगल पे देखिए मैं आ गई हूँ, यहाँ पे आपको लिखना है www.clori.com, पहले नंबर वाली साइट हमारी है, इसके अलावा हमारी कोई साइट नहीं है, बाकी फेक है, आप कंसीडर कर सकते हैं उसको अगर कोई आपको देखने को मिलती है, यही साइट पे आपको बस विजिट करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें एयरपोर्ट की लेटेस्ट ऑफ वैकेंसीज के बारे में, कौन कौन सी वैकेंसीज यहाँ पे रिलीज की गई है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए मैंने आपको पहले भी क्लियर किया, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए वैकेंसीज आई है, दोनों यहाँ पर एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। तो नोटिफिकेशन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं आ चुका है इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से, मेल फीमेल इस बार दोनों के लिए वैकेंसीज हैं जो यहाँ पर आउट हुई है। अगर आपकी एज यहाँ पे देखिए 18 प्लस जितने भी हैं आप यहाँ पर अप्लाई करना, अलग अलग पोस्ट वाइज यहाँ पे एज लिमिट है, परमानेंट आपकी जॉब रहने वाली है, मैक्सिमम एज की अगर हम बात करें वो आपकी एज पर नॉर्म्स रहने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, देखिए इसके लिए कोई डेट्स तो नहीं होती थी, अप्लाई करना शुरू हो गया है, नोटिफिकेशन आ गया है, स्टेप बाय स्टेप सारा आपको बताने वाली हूँ कैसे अप्लाई करना है सारी चीजें, ठीक है, एवरीथिंग। तो लास्ट तक वीडियो को देखना, एज सून एज पॉसिबल आपको यहाँ पर अप्लाई करना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें वैकेंसीज कौन कौन सी है, ये देखिए इसके अलावा भी ना 4 से 5 टाइप की वैकेंसीज हैं, आगे आपको मैं बताने वाली हूँ, जिसमें पहले ही तो कैबिन क्रू की है, ऑफिसर और एग्जीक्यूटिव की है। इसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट अगर वैकेंसी की हम बात करें तो यहाँ पे देखिए एनालिस्ट के लिए वैकेंसीज भी है, तो वो आपको मैं सीधा आगे बताने वाली हूँ, तो उसके लिए आप वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग क्वालिफिकेशन वाइज कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज का आपको देखिए ध्यान रखना है, आप एयरपोर्ट की किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं इंडिगो में, ठीक है, तो यहाँ पे कभी आपको एप्लीकेशन फी पे करने को नहीं बोला जाता है। आज से 5 to 6 मंथ पहले मैंने आपको इस तरीके का अपडेट बताया था, हमारे चैनल से बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनको वॉक इन इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था, शॉर्टलिस्टिंग हुई और सिलेक्शन भी हुई है, और तब भी मेरे पास कमेंट्स देखने को मिल रहे थे कि मैम हमारे पास कॉल्स आ रही है कि हमें इतना पैसे पे करना है, आपको जॉब दिलवा देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर आपको इस तरीके की कॉल्स आती है वो तब आती है अगर आपने किसी थर्ड पार्टी भी अपना रिज्यूम भी अपडेट कर दिया है, तो वहां पे आपको प्लेसमेंट्स की तरफ से कॉल आती है, जॉब प्लेसमेंट वाले जो होते हैं, तो इंडिगो कभी आपको फी पे करने को नहीं बोलता है। जैसे मैं आपको बताऊंगी वैसे ही अप्लाई करना है, किसी थर्ड पार्टी पे या किसी थर्ड वेबसाइट पे जाके अप्लाई आपको नहीं करना है, फी कोई नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने मेंशन भी किया है कोई फी पे नहीं करनी है, लास्ट में आपको लिंक्स मिल जाते हैं, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे सारी वैकेंसी जितनी भी रिसेंटली आई है इंडिगो की तरफ से वो देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपको पोस्ट वाइज देखिए लिंक मिल जाते हैं। अब मान लीजिए आपने इस लिंक पे क्लिक किया, ठीक है, इस लिंक पे जैसे हमने क्लिक किया हम आ जाएंगे डायरेक्टली इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे देखिए फ्रेशर्स के लिए मैंने आपको बताया एनालिस्ट की वैकेंसीज भी है, रेवेन्यू प्लानिंग एंड एनालिस्ट के लिए, उसके बाद एग्जीक्यूटिव की वैकेंसीज भी यहाँ पे आउट हुई है। बाकी जो वैकेंसीज यहाँ पे एग्जीक्यूटिव कस्टमर एक्सपीरियंस के लिए, इसके लिए 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, बाकी जो एक्सपीरियंस वालों की है वो मैं आपको नहीं बता रही, वो आप चेक कर लेना। फ्रेशर्स की ये भी वैकेंसीज है, जैसे कि जिसमें कैबिन अटेंडेंट ATR के लिए है, कैबिन क्रू एयरबस के लिए,
लिए वैकेंसीज भी आई हुई है। अब यहाँ पे देखिए ये वैकेंसीज कमर्शियल में आ जाती हैं और इसके लिए देखिए हायरिंग इवेंट्स के लिए ये अपडेट है, इसमें अलग एलिजिबिलिटी है, इसमें अलग एलिजिबिलिटी है, सिलेक्शन भी अलग प्रोसीजर रहने वाला है। मान लीजिए आपने अप्लाई करना है कैबिन अटेंडेंट के लिए, ठीक है, आप यहाँ क्लिक करना, क्लिक किया यहाँ पे, थोड़ा मैं और जूम कर देती हूँ, आपको देखने को मिल जाएगा आपको यहाँ पे क्या क्या वर्क यहाँ पे रहने वाला है वो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया। आपको शेड्यूल मेंशन करना होगा, फ्लाइट्स इन दिस सिस्टम, ठीक है, इसके अलावा कोई कैंसिलेशन है या टाइम चेंजेस है वो आपको अपडेट करना होगा, सारा कुछ डिस्क्राइब किया हुआ है इन्होंने, आप यहाँ पे रीड भी कर सकते हैं। इसके लिए अगर क्वालिफिकेशन की बात करें, ग्रेजुएशन इन्होंने मांगी हुई है, आप उसके अकॉर्डिंग चेक करके अप्लाई कर सकते हैं। बैक चले जाते हैं अगेन यहाँ पे, उसके बाद जो नेक्स्ट पोजीशन मैंने आपको बताई थी कैबिन क्रू, इस तरीके से प्रोसेसिंग में थोड़ा टाइम लेता है, ठीक है, एयरबस के लिए कैबिन क्रू की, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको अलग अलग लोकेशन वाइज वैकेंसी देखने को मिल जाते हैं, काफ़ी सारे लोकेशन के लिए ये वैकेंसीज है। यहाँ पे आपको देखिए इस वाली वैकेंसी के लिए आपको वॉक इन इंटरव्यू के लिए सीधा ही जाना है, यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है। अब यहाँ पे अगर वॉक इन इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हैं, अगर मान लीजिए आपकी टाइमिंग यहाँ पे 9 AM मेंशन की हुई है, तो आपकी कोशिश रहनी चाहिए आप 2 घंटे पहले कम से कम वहाँ पे पहुँचे, क्योंकि वहाँ पे आपके रिसेप्शन में पहले रजिस्ट्रेशन भी होती है, तो वो सारा चीज़ आप लेके चलना, ठीक है। अगर आपका कोई रहता है वहाँ पे, आप एक दिन पहले भी जाना, वो भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा अगर आपका ड्रीम है एयरपोर्ट में ज्वाइन करने का, ठीक है, ये वॉक इन वालों के लिए मैं बता रही हूँ। उसके बाद ये वाली जो मैंने आपको एनालिस्ट की वैकेंसी बताई है, ये फ्रेशर्स के लिए है, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है फुल टाइम आपकी ये जॉब रहने वाली है। अलग अलग एलिजिबिलिटी वाइज वैकेंसीज यहाँ पे आउट हुई है, वो आप यहाँ पे देखिए रीड भी कर सकते हैं। इसके लिए देखिए यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया हुआ, इंडिगो नेवर आस्क्स फॉर मनी फॉर इंटरव्यू और हायरिंग। मैंने आपको पहले भी क्लियर किया, इंडिगो कभी आपको नहीं बोलता है किसी चीज़ के लिए भी पे करने को, आपको वो हायर कर रहे हैं, आप उनके लिए वर्क कर रहे हैं, वो आपको सैलरी पे कर रहे हैं, तो आपको इस तरीके की कॉल्स अगर आती है उसको आप फेक कंसीडर करना, ठीक है। आप सीधा वहाँ पे पूछ सकते हैं आप इंडिगो से बात कर रहे हैं, ठीक है, इंडिगो से वैसे आपको कोई फी पे करने को नहीं बोलता, यहाँ इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए अप्लाई के लिए आपको कैसे यहाँ पे करना होगा, लॉगिन टू अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया, अब यहाँ पे ईमेल आईडी पासवर्ड मेंशन करके लॉगिन करके अप्लाई करना है। लेकिन लॉगिन आप कब करेंगे, अगर आपने पहले अपने आपको साइनअप किया है तो आपको पहले साइनअप पे क्लिक करना है। साइनअप क्लिक करने के बाद फर्स्ट नेम लिखना है, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड यहाँ पे टिक करके साइन अप पे क्लिक करना है। अब जो यहाँ पे आपने ईमेल आईडी और पासवर्ड रखा है ना, जब आपको लॉगिन करने को बोल रहा है, यही चीजें वहां पे आपको मेंशन करके बस लॉगिन हो जाना है, ठीक है। उसके बाद आपको जो जो डिटेल्स मांग रहा है आपको एज इट इज फिल करना है, आपका नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर, क्वालिफिकेशन, कब पास आउट की, कहाँ से पास आउट किया, डिटेल्स रिज्यूमे अपलोड करके सिंपली सबमिट पे क्लिक करना है, आपका सक्सेसफुली अप्लाई हो जाएगा। इसी तरीके से अप्लाई करने के कोई अदर प्रोसीजर अप्लाई करने का नहीं है। बाकी कोई क्वेश्चन है कमेंट जरूर करना। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अपडेट में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।